ask of a certain, let's say, investment, okay, or whether we should do acquire this company or not, the only good reason that they could come up is the about the valuation and nothing else. They cannot talk about the synergies. They cannot talk about the the customer base. They are not able to talk about any strategic advantage or competitive edge that they're going to get through that investment. They are only as good as saying that iski valuation ye hai, iska IRR ye hai, and that's it. That's not what is required of you in the exam. Those who have already given this exam would know what I'm talking about. But starting from today, you need to change your hats. You need to get out from your role as a finance person. You need to get, the understanding of making decisions from the perspective of the board of directors, from the perspective of the chief executive of the company, not the chief financial officer of the company. तो ये याद रखिएगा, आप लोग सब सीईओ हैं यहाँ पे, ठीक है? सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, और डिसीजन उस तरह से ही आप लोगों को लेना होगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाई देयर वाज दिस नीड ऑफ दिस पेपर. अच्छा, अब मसला क्या हुआ है, थोड़ा सा ना यहाँ पे एक लीप आया है, ठीक है? और ये जो लीप है ना, ये थोड़ा खतरनाक लीप है. मैं बताता हूँ ये लीप से मेरा मतलब क्या है. जो ACCA के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके जो जितने प्रोग्रेशन है ना एग्जाम्स की, उसके अंदर शुरू में जैसे जो फंडामेंटल मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, बड़े MCQ टाइप के सवाल होते हैं. फिर जब वो थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो इनके ऐसे टाइप क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं जो कि थोड़े से लेंदी होते हैं, और प्रोफेशनल्स के अंदर वो फर्दर एडवांस कर जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल फुल लेंथ क्वेश्चंस पे चले जाते हैं. ICW के अंदर भी यही स्टोरी है कि होता ही है कि यू हैव ऐसे टाइप क्वेश्चंस एंड देन यू हैव लाइक फुल लेंथ क्वेश्चंस व्हिच गो अप टू 50 मार्क्स. हुआ ये है आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास एक ऐसा पेपर आ गया जिसके अंदर एक सवाल 50 मार्क का है और दो सवाल 25 मार्क के हैं, और आप लोग लीप कर रहे हैं फ्रॉम योर वे ऑफ वर्किंग इन विच यू आर ओनली यू हैबिचुअल ऑफ आंसरिंग वेरी स्मॉल क्वेश्चंस. ठीक है, छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनकी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मीट किया, आगे बढ़ो. लेकिन यू हैव नॉट सीन लाइक एनी मिडवे इनटू दिस. ठीक है, तो एक मिडवे होता है जिसमें एक, चलो एक छोटी लेंथ का सवाल अगर आप लोग करते केस स्टडी टाइप, तो आप लोग यहाँ पे आते तो आप लोग को अपने आप को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को इसे बढ़ाना होता. लेकिन यहाँ पे एक लीप आ गया है, ठीक है? अब इस लीप की वजह से इस एग्जाम का एक और चैलेंज आ जाता है. वो चैलेंज ये आता है कि बच्चे ओवरवेलम्ड हो जाते हैं. व्हेन स्टूडेंट सी द पेपर, व्हेन दे सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ 50 मार्क्स क्वेश्चन एंड इट्स लाइक पेजेस लॉन्ग, राइट? तो वो देखते हैं और वो बोलते हैं यार ये क्या हो गया, राइट? ये कैसे होगा, ये इतना बड़ा सवाल हम पढ़ेंगे कैसे? कहानी शुरू करते हैं, आखिर में पहुंचते हैं तो शुरू भूल जाते हैं. तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ओवरवेल्म हो जाते हैं बच्चे, और वो ओवरवेल्म होते हैं. ओवरवेल्म होने के बाद उनसे क्वेश्चन ग्रास्प नहीं किया जाता, दे काइंड ऑफ कीप ऑन फॉरगेटिंग द स्टोरी, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है. दूसरा मसला ये होता है कि व्हेन यू फील ओवरवेल्म्ड, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन वेल, और जब आंसर्स लिखने की बारी आती है, यू स्टार्ट राइटिंग जेनेरिक आंसर्स. ठीक है, जेनेरिक का मतलब यह है कि उसका केस से और कहानी से कोई लेना देना नहीं है. आपसे पूछा गया कि ये एक हॉरिजॉन्ट वर्टिकल इंटीग्रेशन है या वर्टिकल एक्विजिशन है, क्या हमें ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. आप लोगों ने बुक के अंदर जो वर्टिकल इंटीग्रेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे वो लिख के आ गए, आप बाहर निकलेंगे चीते बने हुए कि यार के भाई मेरे तो पूरे मार्क्स आएंगे. ऐसा नहीं होगा, यू गोना फेल, बिकॉज यू हैव टू लिंक योर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस टू द केस. सही है? सो इट्स लाइक अ कॉम्प्रीहेंशन पेपर. ओके, ये कॉम्प्रीहेंशन है, केस में से आंसर निकलते हैं मेजरली, और आपकी अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेट होती है और फिर आप आंसर करते हैं इसको. ठीक है, तो जेनेरिक आंसर्स लिख के आते हैं, वहां भी बच्चे फेल हो जाते हैं. फिर एक मसला ये आया कि इतनी जब फुल लेंथ का क्वेश्चन आता है तो आंसर भी बड़े बड़े होते हैं. अब वहां पर अंग्रेजी का मसला आता है, लोगों को लिखना नहीं आता ठीक से इंग्लिश, दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ राइटिंग गुड इंग्लिश. ठीक है, अब ऑब्वियसली आई कॉन्ट इम्प्रूव द इंग्लिश लाइक ऑफ एनी स्टूडेंट, बट वट वी कैन डू इज के वी शुड नो हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर्स. लाइक फॉर इंस्टेंस, वट हाउ टू इफेक्टिवली पैराग्राफ योर आंसर्स, हाउ टू इफेक्टिवली पुट हेडिंग्स, हाउ टू गिव द एग्जामिनर द ईज टू चेक योर पेपर. स्टूडेंट्स मेक इट वेरी हार्ड फॉर एग्जामिनर्स टू चेक द पेपर, एंड यू क्वाइट फ्रेंकली सेइंग दिस, यू पिस द एग्जामिनर ऑफ, एंड वट दे डू इज दे डिडक्ट योर मार्क्स. ठीक है, तो ये इस पेपर के स्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी इश्यूज हैं इसके अंदर. पहला मसला तो ये है कि भाई कि आप लोगों ने इस तरह का पेपर देखा नहीं है.
दूसरा मसला ये है कि अभी तक आप लोग फाइनेंस वाली सोच से उससे बाहर निकलना है। तीसरा मसला ये है कि ये बहुत हाई बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं तो ओवरवेलम हो जाते हैं और चीज़ें भूलना शुरू होते हैं और जेनेरिक आंसर्स देते हैं। दीज आर दिस इज़ लाइक अ कम्प्लीट मिक्स एंड रेसिपी टू फेल इन दिस एग्ज़ाम। ठीक है, सो मैं पहली क्लास में ये चीज़ें बता देता हूँ, ये डराने के लिए नहीं है बट ये समझाने के लिए कि यू नो इफ़ यू डोंट इम्प्रूव ऑन दैट इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू पास इन दिस एग्ज़ाम फ्रेंकली स्पीकिंग। सो मैं इनको जनरली इशूज़ को ना दो तीन एरियाज़ में डिवाइड करता हूँ। पहला तो ये होता है कि वी नीड टू डेवलप द स्किल ऑफ यू नो रीडिंग द पेपर। ठीक है, कि हमें रीडिंग की स्किल डेवलप करनी होती है। द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट एज अ टीचर यू नो फॉर माई स्टूडेंट्स टू यू नो लर्न इज टू हाउ टू रीड, राइट? सो फर्स्ट फोकस इज ऑन रीडिंग, सेकेंड फोकस इज ऑन थिंकिंग। ठीक है, जब बच्चे गार्बेज लिखते हैं ना या टाइम ज़ाया करते हैं उसके पीछे एक, और इंग्लिश भी गलत लिखते हैं उसके पीछे एक मेजर रीज़न होता है, वो ये होता है कि वो सोचते नहीं हैं। उन लोगों ने एग्ज़ाम की रीडिंग की, क्वेश्चन को देखा और सीधा आंसर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें होता ये है कि अगर डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस लिखने हैं तो स्टूडेंट स्टार्ट करता है दो एडवांटेजेस से, फिर वो एक डिसएडवांटेज लिखता है, फिर उसको याद आता है यार ये एक एडवांटेज है और ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, वो फिर एक एडवांटेज डाल देता है बीच में, फिर वो एक डिसएडवांटेज लिखता है, फिर एक और एडवांटेज याद आता है, फिर याद आता है यार ये भी एक डिसएडवांटेज है, और जब सब लिख देता है उसके बाद उसको याद आता है कि एक और ऐसा एडवांटेज है जो कि मैंने जितने पीछे एडवांटेजेस लिखे थे उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे एंड में आ रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी राइटिंग ख़राब होती है, द स्ट्रक्चर जो होता है ना आपके आंसर्स का वो ख़राब होता है, जो रिटन स्ट्रक्चर होता है। सो इट्स नॉट जस्ट बैड इंग्लिश दैट कैन किल यू, इट्स बैड स्ट्रक्चर, एंड बैड स्ट्रक्चर इज यूजली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो पहला था रीडिंग। दूसरा मसला जो हमें टैकल करना होगा या जो स्किल जो हमें सीखनी होगी वो होगी द स्किल ऑफ प्लानिंग स्लैश ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कराऊंगा, मतलब क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ वेयर यू अनलॉक योर थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे हम दो तीन मसलों से बचेंगे जो कि एक आगे पोटेंशियल मसला होगा लिखने का, वो हमारा बेहतर हो जाएगा, और ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपकी जो हैट चेंज होनी है वो भी हो जाएगी। तो थर्ड इशू होगा जो कि टैकल करना होगा हमें, क्योंकि टोटल तीन इशूज़ हैं, जो थर्ड इशू है जो हमें टैकल करना होगा इस एग्ज़ाम के अंदर वो इशू ये है, इज़ द इशू ऑफ राइटिंग। ठीक है, राइटिंग को ठीक करने का एक तो मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी बता दिया विच इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग ठीक करोगे तो राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा जनरल ड्राफ्टिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि हमें इम्प्रूव करनी होगी, जैसे पैराग्राफिंग मैंने आप लोगों को बताया, हेडिंग मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ड्राफ्टिंग का एक और मसला स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट योर इंग्लिश इज़ नॉट गुड इनफ, यू नीड बेसिक इंग्लिश टू पास दिस एग्जाम, बट इफ समबडी हैज़ रियली बैड इंग्लिश मतलब विच इज़ वेरी हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड, सो that person, it's gonna be difficult for that person to pass. ठीक है, and honestly I can do very very little as a teacher कि मैं English improve कर सकूँगा किसी की, so you know this is something that person would have to do themselves. apart from that you know we have to go through these three phases to get through this exam, the habit of reading, the habit of brainstorming and the writing which is the drafting part. ये तीन चीज़ों को हमने tackle करने हैं अलग अलग steps के अंदर। Once we are through these three steps, we will be done. ठीक है, so this is a little bit about the paper. I'm just gonna jump to the syllabus now. मैं थोड़ा सा आप लोगों को syllabus दिखा देता हूँ ये क्या है। syllabus के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा structure भी समझा दूंगा, मैं ये भी बता दूंगा how it does relate to ICAW as well, so that you know you are able to build on to that story which I just told you कि ICAW से किस तरह से stem करके बाहर निकला था ये। ठीक है, सो ये समर 2022 का सिलेबस है। आई होप यू ऑल कैन सी द स्क्रीन एज वेल। आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप टू द पार्ट वेयर इट सेज MSA 2, MSA 1। ओके, सो ये आ गया। अब आपके सामने ये आपको एक नज़र आ रहा होगा कि एक सिलेबस की एक आ रही है कि कुछ 1, 2, 3, 4 एरियाज़ हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको तो एक मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक है, टीचिंग आर्ट्स को ये वेटेज है जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है,
ये पेपर क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 40-50% जो है ना वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज जनरली द बीएम पेपर दैट यू हैव यू नो लाइक डन बिफोर. ठीक है, तो ये बीएम का एरिया है आपका. जो पार्ट बी है विच इज द फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दिस इज द बीएफटी पेपर विच इज अगेन 35-40%. टैक्स प्लानिंग इज अगेन, जो आप लोगों ने टैक्स पढ़ा इज अबाउट 5-15, बट यूजली इट कम्स इन द रेंज ऑफ 10%. 10% से ज़्यादा ये आता नहीं है. एंड देन देर इज एथिक्स एंड गवर्नेंस विच इज अबाउट 10%. ठीक है, सो इसका मतलब है ये दोनों पार्ट मिला के इज 80%, एंड देन टैक्स इज 10%, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज 10%. ठीक है, अब आप बोलेंगे यार आपने तो थोड़ी देर पहले ये बोला है कि फाइनेंशियल कैलकुलेशन तो 20-30% होगी, तो ये 80% में ये दो एरियाज क्यों आ रहे हैं, ये एक सवाल होगा आप लोगों का. ठीक है, तो यहां पे जो देखें बात समझने वाली है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. जो एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन के मार्क्स होंगे ना, हार्ड कोर फाइनेंशियल कैलकुलेशन के मार्क्स, वो होंगे ही 20-30%. जो बाकी के इसके अंदर से 50% के मार्क्स हैं ना, 80% में से, इज अबाउट योर इंटरप्रिटेशन, दैट हाउ डू यू इंटरप्रिट योर आंसर. ठीक है, कि वो आंसर को इंटरप्रिट कैसे करना है. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने बिजनेस वैल्यूएशन की है तो आपको बोलेगा देर आर 3 मेथड्स फॉर बिजनेस वैल्यूएशन. आपने तीनों मेथड से बिजनेस वैल्यूएशन कर दिया, वो आपसे फिर यहां ये एक्सपेक्ट करेगा दैट यू ऑल्सो टेल देम दैट विच मोड ऑफ वैल्यूएशन इज बेटर एप्लीकेबल, वॉट शुड बी दी वैल्यूएशन रेंज, मतलब हमें कितनी वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करनी चाहिए. हम ये नहीं कह सकते कि आप अगर डिस्काउंटेड वैल्यूएशन करेंगे या फ्री कैश फ्लो वाली वैल्यूएशन करेंगे तो इतना ले लीजिएगा, अगर आप लोग मार्केट मल्टीपल मॉडल ले रहे हैं तो इतना ले लें, डिविडेंड से इतना ले लें. यू कैन डू दैट, यू हैव टू वर्क इट, बट एट द एंड यू हैव टू गिव अ कंक्लूजन दैट विच वन इज द बेस्ट सूटेड वैल्यूएशन मेथड और विच इज द बेस्ट वैल्यूएशन रेंज इन विच वी शुड यू नो बाय दिस कंपनी. So this would be expected out of you. Moreover, this is the area where most of the thinking will also come in. क्योंकि जो strategic management का area है ना, you need to understand this is the area in most cases, in most exams, the book will be not usable. क्योंकि आपसे सवाल क्या है, इस area में आता क्या, मैं बताता हूँ. आपके पास let's say एक question आ गया on acquisitions, right? You are a company and you are acquiring another company. सबसे पहला सवाल होगा What is the valuation of the company? ठीक है भाई, वो आपने करा, आपने समझा दिया, सारा कर लिया. अगला सवाल ये होगा whether it is strategically and operationally viable to purchase this company. समझ रहे, मतलब in other words ये पूछ लिया कि what are the benefits and what are the risks of the acquisition. Now the benefits and the risks of the acquisition is not the valuation. It's asking whether you should buy this company. What are the benefits of buying this company? Let's say that a company operates in the same industry. You can say the benefit is that I'm acquiring a competitor. The benefit it will be in the synergies, because the synergies will be maximized. We are the same companies. We are going to be marketing, you know, like together. So, you know, we're going to save money on that. Our supply chains are going to get more efficient because we are going to buy the same raw material, but with a higher volume. So we will have a bigger bargaining position in the market. Isn't it? But at the same time, if you are a corporate and you are acquiring a CTA company, like an ownership, you know, like a family ownership company, then you might have a risk of culture. You might have a risk of control, like internal controls being very weak or the corporate governance being very weak over there. So these might also be the risks. Right? So, इस तरह की जो जितनी डिस्कशन होगी जो कि उस केस से निकल के आ रही होगी वो सारे इस एरिया के अंदर हो रही है. मैं आगे आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आप लोगों को और थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा कि ये किस तरह से कंपोज होता है. लेकिन ये याद रखिएगा कैलकुलेशन आउट ऑफ दिस 80% इज हार्डली गोइंग टू बी 20-30%. द रिमेनिंग 50% इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिस्कशन एंड डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, जिनको आपको जवाब उस वक्त सोच के देने होंगे. दैट इज द रीजन वाई ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं. जो सवालात होंगे ना आपके, ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस? कैन समबडी यू नो लाइक टाइप इट आउट के यार के इंटीग्रेटेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है?
What do we mean by integrated questions? So I've got an answer. That one answer is dependent on another. That is what an integrated paper is. तो एक तो ये response मिला है. Do we have some other responses as well? You have to consider question as a whole, like tax planning, governance issue, challenge of acquisitions. You can't answer any part in isolation. Okay. Any more responses? Quite not there yet. I'm telling you, it's not quite there yet. It means something, it's a bit different. Okay, so थोड़ा सा बताता हूँ. पहला एक response आया था कि one answer is dependent on in another. No, this is not what an integrated question is. Integrated question का ये मतलब होता है कि एक सवाल में मल्टीपल एरियाज विल बी टेस्टेड. यूजली ये होता था कि एक सवाल में एक टॉपिक आता था, जैसे एक सवाल के अंदर बॉन्ड वैल्यूएशन आ गई. लेकिन जब यहाँ एक 50 मार्क का केस का सवाल आएगा ना, उस 50 मार्क के सवाल के अंदर वो आपसे टैक्स भी पूछेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी पूछ रहा होगा, आपसे बिजनेस वैल्यूएशन पर भी सवाल पूछ लेगा, आपसे फाइनेंसिंग मेथड्स के ऊपर भी सवाल पूछ लेगा, आपसे रेशियो एनालिसिस भी करा लेगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड क्वेश्चन. इंटीग्रेटेड क्वेश्चन इज वन where in one question various topics will be discussed which may be dependent on each other. But main ek baar bata dun, ek question ke answer ka consequence dusre pe nahi hota generally. Theek hai, ki agar ek question ko answer kara to dusre pe wo dependent hota hai, aisa nahi hota generally. So it's just that ke ek sawal jo hoga wo ek case ke upar multiple areas pe aa raha hoga. Main aapko ek question ki example bhi dikha dunga. Theek hai, जैसे अब टैक्स है, अब टैक्स पे बात करते हैं. टैक्स इन आइसोलेशन नहीं आ सकता, मतलब इट कांट हैपन कि वो आपको एक 25 मार्क का पूरा सवाल टैक्स पे दे दे. इट्स नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट हाउ दिस पेपर वर्क्स. अगर एक एक्विजिशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वो एक टैक्स का उसमें डाल सकता है कि वो ये पूछेगा कि यार कि एक जो कंपनी आप जो अक्वायर कर रहे हैं इसके अंदर पास्ट में ग्रुप लॉसेज रहे, सो हाउ विल दोस लॉसेज बी ऑफसेट व्हेन द कंपनीज आर गोइंग टू मर्ज टुगेदर. So this is how the question on tax would be. It would be dependent upon the context of the case itself. ठीक है, सो ये context of the case पे dependent होगा. Tax का सवाल कभी भी in isolation नहीं आएगा कि अचानक से कुछ छोटा सा 25 मार्क का पूरा सवाल tax पे आएगा, ऐसा possible नहीं है. It will be part of a larger context, a larger case. So that is the reason why this is called an integrated paper. एंड सिमिलरली जो इसके बाद जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स भी है, ये भी डिपेंडेंट ऑन केस होगा, ये भी कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, आई होप दैट आंसर्स. इफ यू नो लाइक देर आर कंसर्न विद अ फ्यू ऑफ यू, और जिन लोगों ने अपना रिस्पॉन्स भी मुझे यहाँ पे रजिस्टर किया था, उनको भी क्लैरिटी मिल गई होगी. आगे मैं अभी आपको जब पेपर दिखाऊंगा तो मैं इन सब चीज़ों पर आप लोगों से बात फिर से करूँगा. ठीक है, टैक्स प्लानिंग की जो तैयारी जो होती है ना, अक्सर उस पर सवाल आता है कि यार टैक्स प्लानिंग पे किस तरह से तैयारी करें. पूरा टैक्स फिर से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ये मेरी सलाह ज़रूर है. जनरली इसमें टैक्स रिलेटेड टू एक्विजिशन, मर्जर्स, मार्केटिंग स्पेंड्स और इन सब से ही आ रहे होते हैं. बहुत ज़्यादा कोई एक्सट्रीम लेवल के ऊपर नहीं जाता ये, बट और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है. ये मोस्टली ट्रीटमेंट पर बात कर रहा होता है आपसे, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने पड़ेंगे. आप लोगों को रिवाइज जरूर करना पड़ेगा अपना टैक्स. ओके, अच्छा जी, अब इस सिलेबस में एक और चीज इसने की है. उसने ये किया है कि नीचे इन सब के ब्रेकअप्स भी दिए हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आता क्या है, फाइनेंशियल में आता क्या है, टैक्स में क्या आता है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या आता है. ठीक है, थोड़ा सा उस एरिया को भी देख लेते हैं. एक मिनट चाहिए मुझे. जी,
तो मैं ये बता रहा था कि इसके ना नीचे सिलेबस में इन लोगों ने ब्रेकअप्स भी दिए हुए हैं कि इन सब ए बी सी डी एरियाज़ के अंदर आता क्या क्या भी है। ठीक है, हम ज़रा इसमें चले जाते हैं अभी। सबसे पहले ए पे देखें, ए में कह रहा है कि इवेल्युएट एंड एडवाइज ऑन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज रेलिवेंट टू नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा फर्दर इसके अंदर इन डिटेल जाते हैं, ये इन लोगों ने थोड़ा सा नीचे मज़ीद इसको अलग किया है। ये रहा, ये देखें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, ये टॉपिक्स हैं जो के आपके पास से डिस्कस हो रहे होंगे। पहले कह रहे हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है स्ट्रेटजिक एनालिसिस। ठीक है, ये आपका वही है सारा स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक चॉइस, ये सारे वो मॉडल्स है, पोर्टर, पेस्टल, पोर्टर डायमंड मॉडल्स, ये सारे वो चीज़ें हैं जितने मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े थे। स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन, बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है आपका, जो कि ERM वगैरह आ जाता है। अभी आप देखें स्ट्रेटजिक मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे मार्केटिंग की बात हो रही है। ठीक है, और नीचे अगर कंटेंट देखें तो क्या क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट पोजीशन, समझ रहे कि कंपनी की मार्केट में पोजीशन क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करो, डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये नहीं है कि इवेल्युएट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, कह रहे डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो दिस इज हाउ दिस पेपर यू नो चेंजेस फ्रॉम अदर। यहाँ इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजी आ गया, अब ये देखें यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी आ गया। ठीक है, एंड इसमें थोड़ा सा पढ़ें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द इम्पैक्ट ऑफ HRM ऑन बिजनेस स्ट्रेटजी अप्रेजल्स एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यू विल ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड टू कॉमेंट कि अगर कोई एक HR रिलेटेड प्रपोजल आ रहा है उसका लोगों के मोटिवेशन पे क्या इम्पैक्ट है, लोगों के बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट होगा, वुड द पीपल वुड वॉन्ट टू स्टे इन द कंपनी और वुड दे वॉन्ट टू लीव द कंपनी। सो यहाँ पे ये भी आपसे एक्सपेक्टेड होगा। फिर आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो ये भी हो गया आपका, जिसमें सस्टेनेबिलिटी और ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर जो पार्ट बी था फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसके अंदर ये सारा वो आपका BFD का एरिया था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन रेशो, ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। एंड देन यू विल हैव योर टैक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, अच्छा अब ICW के SBM से कैसे लिंक होता है, ये जो पूरा सिलेबस अभी हम ऊपर देख रहे हैं ना, ये वाला सारा, अगर किसी के पास ICW की बुक होगी ना और वो बुक की जाके इंडेक्स चेक, कंटेंट लिस्ट चेक कर ले, वो एग्जैक्ट यही कंटेंट लिस्ट है जो ये आपके ये लर्निंग आउटकम्स हैं। सो दिस लर्निंग आउटकम्स इट्स एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड, एग्जैक्टली मतलब वर्ड टू वर्ड इज रेप्लिकेटेड, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन, ये जो है सारा ये पूरा का पूरा रेप्लिकेटेड है फ्रॉम ICW की बुक। किसी के पास हो खोल के देख लेना, ये वर्ड टू वर्ड ये लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 स्ट्रेटजिक एनालिसिस, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटजिक चॉइस। तो तभी ना काफ़ी वक्त हो, देर कैन बी अ चांस कि आई विल टेक यू थ्रू क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम ICW। ठीक है, जो कि SBM पेपर के होंगे। ठीक है, मैं वो भी शायद कराऊंगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, क्योंकि जब ये पेपर नया लॉन्च हुआ था तो इसका कोई इतना स्टडी कंटेंट नहीं था, पास्ट पेपर्स भी नहीं थे क्योंकि नया लॉन्च हुआ था, SI CAP में कोई पेपर और रेफरेंस भी नहीं था। तो उस वक्त जो था हम स्टूडेंट्स को SBM के क्वेश्चंस ही कराते थे। और अगर आप लोगों को पुरानी हिस्ट्री पता हो तो जो फिर इन लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ पेपर्स थे उन लोगों ने करा ये था कि SBM के ही पेपर्स के क्वेश्चंस उठाए, उसके अंदर वो क्रिश्चियंस को मुसलमान किया इन लोगों ने, और वो पेपर जो था ना वो दे दिया था स्टूडेंट्स को। ये भी हो चुका है फॉर 2 to 3 अटेम्प्ट्स। जब उनको पता चला एग्जामिनर्स को कि ये स्टूडेंट वहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे मूव्ड टू अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम ACCA, और फिर उसके बाद नाउ दे हैव डेवलप्ड देयर ओन बैंक और अब वो क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। सो प्रॉब्ली यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी एनी मोर कि आप लोग SBM की प्रैक्टिस करके चले जाएं और वहाँ से नाम बदल के आ जाएं, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे स्टूडेंट्स बता रहे थे
कि बस हद तक हुआ था कि उन लोगों ने, क्योंकि अपने साथ कैरी कर रहे थे ICW का क्वेश्चन बैंक, तो पीछे से आंसर निकाल के कॉपी करना भी शुरू कर दिया था कुछ ने तो. तो आई डोंट नो इफ दैट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी विल नाउ कम, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव लर्न्ड एज वेल दैट स्टूडेंट्स हैव कॉट अप टू दैट. बट स्टिल SBM इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस मटीरियल, तो हम वहाँ से भी कुछ ना कुछ पिक कर लेंगे. एंड योर रिकमेंडेड रीडिंग बुक, योर रिकमेंडेड रीडिंग बुक इज दी SBM की बुक. ठीक है. अच्छा, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सिलेबस? सो इफ यू हैव राइट नाउ. I have just, you know, lost my Zoom link. I'm going to, you know, retrieve that. Meanwhile, just please type in your questions if you have any. I think I can't retrieve my old chat, so if you can just retype, you know, like if there is any concerns. Okay, so is it necessary to read the whole book or aspirant study manual? Theek hai. So I have got three queries so far from Asim, Farhan, and Nasser, right? Okay, from Wasim as well. ठीक है. सो यू नो लेट मी जस्ट ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन एंड सम ऑफ इट विल बी कवर्ड यू नो इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस क्लास एज वेल. सो हाउ मच ऑफ टैक्स शुड वी रिवाइज? आई वुड से यू नो लाइक ऑब्वियसली द होल कॉन्सेप्चुअल थिंग नीड्स टू बी कवर्ड, सो यू विल हैव टू रिवाइज योर इंटायर कंटेंट. सो देयर इज नो लीविंग इट आउट एज सच. इज इट नेसेसरी टू रीड द होल बुक? अल्हम्दुलिल्लाह. There's a question, is it necessary to read the whole book of SBM study manual? It is recommended to read the whole book, but you know, like there are two ways to go about it as well, and two more ways to go about it, because this book is pretty dense and long. Like it's about 1400 pages. ये एक book भी नहीं है, ये दो books के अंदर डालनी पड़ती है क्योंकि इतनी बड़ी book है ये. So what some students do is that they do selective reading as well. जो टॉपिक इनको लगता है कि यार के दे इट्स नॉट देयर फोर्टे, मतलब दे नीड टू यू नो एक्सप्लोर मोर, व्हाट दे डू इज दे चूज दैट चैप्टर एंड दे डाइव डीप इनटू इट. द अदर वे इज टू गो थ्रू अ समरी ऑफ द बुक. वी हैव दैट एज वेल, विच इज अ बुक समरी, बट वी डू टेंड टू गिव इट आउट ड्यूरिंग द लेटर पार्ट्स ऑफ द क्लास, बिकॉज दैट इज नॉट अ सजेस्टेड वे यू नो टू गो अबाउट द बुक, टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज समरी इज नॉट अ बुक. And there is a reason why it is not a book, because it keeps on missing in quite a lot of information. So if it's better to do selective reading, jo areas weak hai unko padh lo zyada better hai, rather than you know to leave out. There's a question about that there was another teacher who's going to cover. Yes, the other teacher is going to cover the later parts of this exam. Let me just tell you as well which one. सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैं ही कराऊंगा, फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी मैं ही कराऊंगा. ठीक है, तो 80% हो गया यहाँ पे. जो टैक्स एंड गवर्नेंस है, दिस इज विल बी डन बाय सर लुकमान, एंड अ पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट विच इज दी योर हेजिंग एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट. सो ओनली दीज थ्री एरियाज विल बी कवर्ड बाय सर लुकमान, बट द रिमेनिंग द 80-70% ऑफ द पेपर विल बी कवर्ड यू नो बाय मी. सो दिस इज द स्प्लिट.
अप्रोच की बात हो रही है कि व्हाट विल बी द स्टडी अप्रोच, मैं उस पर आगे आता हूँ, मैं और भी आऊँगा कि हमारे स्टडी रिसोर्सेज भी क्या है, लेकिन हम पहले एक एग्जाम पेपर इसका देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो जाए हमारा, ठीक है। चले फिर मैं एंड में एक और बार आप लोगों से पूछ लूंगा, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन वी कैन डू दैट एज वेल। ओके सो आई थिंक ऑन योर स्क्रीन नाउ इज द एग्जाम पेपर विच इज द लेटेस्ट एग्जाम पेपर दैट केम इन डिसम्बर 2021। अगर आप उसकी यहाँ पे देखें तो यू हैव 100 मार्क्स, 3 hours and 45 minutes, and there are 3 questions. Question 1 will always be a 50 mark question. Question 2 will be a 25 marks question, and question 3 is also going to be a 25 marks question. ठीक है? So this is the split. 3 questions, all of them needs to be attempted, and it's a 3 hour 45 minutes paper and 100 marks. 3 hours 45 minutes लगता तो बहुत ज़्यादा टाइम है, बट टू बी रियली ऑनेस्ट दोज हु आर ऑलरेडी अटेम्प्टेड और दोज हु हैव क्लियर्ड दिस पेपर, इफ यू गाइस वुड वांट टू टॉक टू देम, हैव अ वर्ड विद देम, दे विल से कि टाइम ऐसा गुजरेगा पता ही नहीं चलना एंड में, यू विल बी शॉर्ट ऑफ टाइम बाई द एंड ऑफ दिस एग्जाम। सो टाइम पे पेपर ख़त्म करना इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। लेट्स जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगेन टिपिकल है, you can bring in 5 books with you, so students kind of take books with them as well. ye question number 1 hai, I just want you to first you know like grasp ki ye kitna lengthy hai. So page number 1 is question number 1, page number 2, then page 3, page 4, page 5, round about there are 5 pages which are dedicated to just question number 1, which is worth 50 marks. ठीक है, इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट पे देखें तो रिक्वायरमेंट से ही हमें टॉपिक्स का अंदाज़ा हो जाएगा काफ़ी। अगर आप देखें सबसे पहली रिक्वायरमेंट कह रहे असेस द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अंकल आज़ाद फॉर द ईयर एंडेड 31st October 2021। सो हियर यू बीन आस्क्ड अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, राइट? इन अदर वर्ड्स ये रेशियो एनालिसिस का सवाल है, ठीक है। पार्ट बी है इवेल्युएट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ की स्टेक होल्डर यास्मीन्स व्यू दैट अंकल आजाद नीड्स टू सेट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। ये वैसे सवाल आप केस पढ़ते तो थोड़ा समझ में आता है, ये भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से ही पर्टेन करता है ये सवाल भी। सो टोटल 17 मार्क्स फ्रॉम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। सी का पार्ट 1 6 मार्क्स का है, डिस्कस यास्मीन सजेशन दैट द बिजनेस नीड्स टू हैव अ मोर फोकस्ड अप्रोच टू इट्स मार्केटिंग। अगेन अगर आप लोग ये सवाल पढ़ेंगे यहाँ ये समझ में आ रहा है कि ये फाइनेंशियली तो कोई चीज़ पूछ ही नहीं रहा, ये तो कह रहा है कि यार के मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्या ये बात सही है या नहीं है? तो यहाँ पे उस हवाले से बात हो रही है, तो ये आपका आ जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। पार्ट 2 सजेस्ट व्हाट डायमेंशन शुड बी यूज फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट फॉर फूड एंड बेवरेजेस एंड रेकमेंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट फॉर अंकल आजाद टू टारगेट। मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर बात हो रही है कि हमें अपनी मार्केट को किस तरह से सेगमेंट करना चाहिए, सही है? मार्केट सेगमेंटेशन अगेन नथिंग टू डू विथ फाइनेंस, पूछ रहा है मार्केट को हमें सेगमेंट कैसे करना चाहिए। जैसे कुछ कंपनीज करती है डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में करती है, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस हम लोग बात कर लें आपकी लेट सपोज को FMCG कंपनी को ले लें, ठीक है। FMCG कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर भी सेगमेंटेशन करती है, जैसे कि एक होते हैं जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल्स हो रही होती हैं और एक होती है जो कि मेजर रिटेलर्स के थ्रू सेल हो रही होती है, जैसे इम्तियाज। FMCG ब्रांड सेगमेंटेशंस भी करती हैं, अ कंपनी कैन सेल टू वेरी डिफरेंट टू प्रोडक्ट्स विच आर सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बट एड्रेस टू द वेरी डिफरेंट मार्केट्स एंड मार्केट बजट्स। फॉर इंस्टेंस
Walls is a budget ice cream, but Magnum is a bit premium of an ice cream. Both sold by the same company, Unilever's. Magnum का brand अलग कर दिया है लोगों ने. अगर आप लोग देखें तो Magnum is pitched as something which is more of a luxurious experience towards having ice cream compared to a Walls, you know, like maybe Feast, right? So ये भी segmentation है एक तरीके से. You also segment your market based on customer's age. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि there are certain mobile phones जिसको more targeted towards the younger population, so they give different variety of color options in them, red color, blue color, glossy, weird colors. But then there are certain, you know, markets where you put your product as a very classy, professional, and you know, like a luxurious product, where you put colors such as silver, black, matte, and those sort of. So you need to segment your market. Nothing to do with finance. 12 marks to strategic management. 17 mark performance management, 12 mark strategic management. In do mein to koi calculation bhi nahi hai. Ye jo 12 mark mein, there is no calculation. Ye B ke andar bhi koi calculation nahi hai. D, evaluate Yasmin's proposal that Uncle Azhar should apply for venture capital to expand. Financing ki baat ho rahi hai aur keh raha hai ki whether you should go for a venture capitalist to finance your expansion or not. Topic hi change ho gaya, financing ki taraf chale gaye bilkul. Financing का टॉपिक आ गया. ई, एडवाइज उमर ऑन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फ्रॉम एन एथिकल पर्सपेक्टिव. एथिक्स पे सवाल आ गया. और आखिरी जो है ये टैक्स के ऊपर है. तो ये एक 50 माह का सवाल था जिसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी थी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी थी, फाइनेंसिंग भी थी, एथिक्स भी था और टैक्स था. छः एरियाज थे. दिस इज व्हाट एन इंटीग्रेटेड क्वेश्चन लुक्स लाइक. डिफरेंट डिफरेंट एरियाज कमिंग इन वन क्वेश्चन. In one question, and hardly in this 50 marks calculation is only sadly 13 marks only, which is 26%, isn't it? जो मैं बात कह रहा था शुरू में भी 26% है सिर्फ calculation इस पूरे 50 mark के सवाल के अंदर. So this is why it's important to change your hats. This is why it is important to understand the business. This is why it is important to look from the CEO's and the board's perspective, because the expectation from the students is not from that of an accountant, but that from a strategic participant in a company, in an organization. Theek hai? I hope that clears a lot of things that I've said before. Any queries so far? Okay. अच्छा, कुछ pitfalls उन पर बात की जाए. एक तो मैंने length के ऊपर बात कर ली. Length बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है. Overwhelm हो जाते हैं बच्चे, सत्यानाश हो जाते हैं. और पिटफॉल्स भी हैं इसके अंदर कुछ. एक पिटफॉल है कि अगर आप देखें तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी हैं, और एक रिक्वायरमेंट के अंदर और भी रिक्वायरमेंट्स हैं. जैसे सी के अंदर दो हैं. यूजली ये होता है कि व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे काइंड ऑफ मिस ऑन आंसरिंग अ सर्टेन रिक्वायरमेंट बिकॉज दे आर इन अ लॉट ऑफ हरी. सो ऐसा भी हो सकता है आपने ए क्या बी क्या सी का पार्ट वन करा और सीधा डी पे चले गए. व्हाट हैपेंड इज दैट यू मिस्ड 6 मार्क्स. This is very common. This happens to students. Okay? And you don't even know. The biggest issue with this is that you don't even know what you've done. And when the result comes, you don't know what you've done. You actually missed on a whole requirement to be answered. Okay? एक और मसला ये होता है कि एक requirement के अंदर उसमें भी multiple requirements हो. मैं एक example देता हूँ. ये वाला area देखें आप जरा. Suggest what dimensions should be used for segmenting the market for food and beverages. ये एक requirement है. And recommend the most appropriate segment for the Uncle Azhar to target. Apparently, अगर मैं इस पूरा systematically बात करूँ तो ये यहाँ तक एक requirement है और यहाँ से लेके दूसरी requirement है.
इट इज़ वेरी कॉमन फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन अ हरी टू आंसर द फर्स्ट पार्ट विच इज़ टू गिव द सजेशन बट टू मिस ऑन द रिकमेंडेशन. What will happen is that you will score the maximum marks that you can take out of this 6 marks is 3. और 3 में तो 0 मिलना ही है आपको 3 में से. और वो 3 जो maximum mark है उसमें भी कोई student ने bunt मार के उसको 2 पे लेके ही आने हैं. So you actually were only able to score 2 out of 6 mark because you missed on something. And what you missed was on reading the question properly. So ये common pitfalls हैं, ठीक है? Length हो गई, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हो गई, सब टू सब रिक्वायरमेंट्स हो गई. ये बड़े कॉमन पिटफॉल्स हैं वेयर स्टूडेंट्स फेल. अनदर पिटफॉल इज दिस. ये अगर आप देखें, ये रिकमेंड का वर्ड, ये वो एग्जाम है वेर यू कैन नॉट गिव अ डिप्लोमेटिक आंसर. यू कैन नॉट गिव अ डिप्लोमेटिक आंसर. अगर आपके पास दो ऑप्शन है where you are asked to evaluate option A and option B, let's say two methods of financing, one equity, one debt finance, और आपको बोला गया कि दोनों के advantages, disadvantages बताओ, you can't give a recommendation at the end saying कि ये भी करना है, ये भी कर सकते हैं, ये चाहो तो ये भी कर लो. That's called a diplomatic answer, which usually is expected out of those people who just joined an organization. It is not expected out of the students for this paper. You are expected to give a definite recommendation. कि A करना है या B करना है आपको बताना है, और with a reasoned justification that why. ये भी नहीं A करना है बस मैंने बोला है तो करना है, ये भी नहीं चलता इसमें. You will have to give a recommendation that why do A and not B. So in this exam it's very common of students to not give a recommendation or to give a diplomatic recommendation or to give an unjustified recommendation. So we need to learn how to not make these mistakes, because these mistakes are pretty costly. ICAW mein to jo case study ka paper hota hai wo to itna strict hota hai, khair isme aisa masla nahi hai, that even if you get the passing marks, let's say 60%, but you fail to give recommendation on more than required equations, you are going to fail the paper. ICAW mein to itne strict measures hain. खैर यहाँ पे इतना नहीं है कि अगर आपने 70% भी ले लिया, 60% मार्क्स भी लिए, लेकिन आपने 2-3 इंस्टेंसेस के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं दी, सो द एग्जामिनर विल फेल यू. बट इट्स दैट इंपॉर्टेंट ऑन एग्जाम ऑन सच अ लेवल. सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू. देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 2. ऑब्वियसली द लेंथ इज गोइंग टू बी प्रिटी शॉर्ट कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1. सो इफ यू कैन सी इट्स 1, इट्स टू, हार्डली इट कुड बी 3 पेजेस, राइट? तो 3 पेजेस का है, वो 5 का था, ये 3 पेजेस का है. अगेन लेट्स सी द क्वेश्चंस. कैलकुलेट द कूपन रेट रिक्वायर्ड ऑन द बॉन्ड ड्यू टू इश्यू टू फाइनेंस द न्यू वेंचर. सो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू बॉन्ड वैल्यूएशन. कैलकुलेशन है इसके अंदर 5 मार्क्स की. रेकमेंड, अगेन देखें वर्ड रेकमेंड, विद जस्टिफिकेशन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू बेस्ट अकोमोडेट द न्यू बिजनेस. ये अब आपको कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की रिकमेंडेशन दें, और क्यों ये होना चाहिए ये भी बताएं. ये फाइनेंस नहीं है, ये तो HR है ना, ये HR है, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी इसमें. आउटलाइन द मेन इशूज बींग फेस्ड बाई मैनेजमेंट एंड स्टाफ एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रपोज चेंज. मैनेजमेंट और स्टाफ को क्या मसले हो रहे हैं इस पे बात हो रही है, ये नहीं पूछ रहा कि पैसे का क्या है. अगेन HR है. एक्सप्लेन द मेन CSR concerns. CSR पे आ गया. सो अगर आप देखें फिर से, 25 मार्क में से 5 मार्क्स थे जो कि कैलकुलेशन थी, ठीक है, 14 मार्क्स जो थे वो आपका HR था, और बाकी 6 मार्क्स जो था वो आपका CSR था. तो अगेन वो जो मैंने आप लोगों को बात की थी, आई थिंक इट स्टिल स्टैंड वैलिड, that 20-30% is somewhere the calculations will be around in the whole paper. Question number 3. First page, second page, third page. 3 pages again. Oh, 4 pages. So 4 pages on question number 3 this time. Let's read the requirements. Provide a range of values for the acquisition
ऑफ द शेयर कैपिटल एंड रेकमेंड, देखें फिर से, एंड रेकमेंड अ बिडिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइड सपोर्टिंग कैलकुलेशन. सो दिस इज ऑन बिजनेस वैल्यूएशन. ठीक है, और इसमें भी वो कॉमन पिटफॉल है कि यहां पे एक एंड लगा हुआ है. सो ये एक अलग रिक्वायरमेंट है और ये एक अलग रिक्वायरमेंट है. यूजली इट्स वेरी इजी टू मिस. And what you will lose is, you can see the chunk of marks you're going to lose. You can easily lose 4 marks out of this if you don't address the second requirement. Discuss the real options that should be considered in relation to the acquisition and their impact on decision of whether or not to acquire ML. So yeah, it's a strictly strategic management ka sawal. Recommend changes that would be needed to made to the corporate governance. CG ka sawal aa gaya corporate governance ka. And recommend a hedging strategy. ये आ गया आपका risk management. So again, an integrated question at its best. ठीक है? So this is, you know, how the paper is structured. It's integrated. There are some common pitfalls which we need to avoid. It's lengthy. It's overwhelming. And you know, it requires a lot of practice. You know, or else it's very easy to fail. सो दिस इज़ अबाउट द पेपर. पेपर के बारे में कोई और क्वेश्चन हैं तो मुझसे ज़रा पूछ लें. कोई स्ट्रक्चर के बारे में सवाल, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने कही हो, जो समझ ना आई हो, जो मैं रिपीट करनी हो, तो मैं वो कर लूँगा. सो आप लोग मुझे प्लीज़ पूछ सकते हैं. कोई सवाल? ओके, सो नो क्वेश्चंस, दैट मीन्स प्रॉब्ली ओके. हम क्लास में कैसे लेके चलेंगे मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ. मेरी अप्रोच जो है ना, दैट्स वेरी सिंपल. I will, from the very first class that inshallah we're going to have tomorrow, will start directly from exam question. ठीक है, क्योंकि जितनी मैंने आप लोगों को शायद अभी तक बात बताई है, अभी तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, ड्राफ्टिंग, ब्रेन स्टॉमिंग, दीज आर द मेजर स्किल्स दैट यू नीड टू अक्वायर. बी एफ डी सब ने पढ़ा है, बी एम सब ने पढ़ा हुआ है. सो मेरी लॉजिक ये होती है कि जस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आई लॉन्च डायरेक्टली इन टू एग्जाम पेपर्स. हम लोग सीधे सीधे एग्जाम पेपर करेंगे. जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे, आई एम गोइंग टू गो बैक टू दोज कॉन्सेप्ट्स एंड आई एम गोइंग टू रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द आंसरिंग ऑफ इट. क्योंकि जनरली अगर लेट्स सपोज के पहला हम सवाल करते हैं बिजनेस वैल्यूएशन पे, सो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन. इट्स नॉट लाइक के मैं बिल्कुल बस बोलूँगा बस सॉल्व कर लो. वी आर गोइंग टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट एंड देन वी आर गोइंग टू जंप बैक टू द पेपर एंड सॉल्व इट. सो इट्स अ पेपर ओरिएंटेड अप्रोच. We are going to start off from the exam paper from the very first day because my objective is to make you comfortable with the paper. ठीक है, so that's my exam approach. As far as बच्चों का सवाल आता है कि where do we should be studying from, what are the like you know like the books and stuff. So I would suggest BFD revise कर लो अपना, tax revise कर लो अपना. ठीक है, एंड अगर ये दो चीज़ें आप लोग कर लेते हैं, और revise से मेरा मतलब है कि BFD और BM के अंदर खास तौर पे खाली अगर अपने रजिस्टर्स या कोई समरी नोट्स हैं उनको भी गो थ्रू कर लो, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर अस टू कीप ऑन गोइंग विद द क्लासेस. ठीक है, सो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज जस्ट स्कैन थ्रू योर बीएफडीज रजिस्टर्स, बीएम रजिस्टर्स, एंड यू नो विल बी फिट फॉर द क्लास. फॉर टैक्स आई वुड से यू विल हैव टू रिवाइज एंड यू नो मोर स्ट्रैटेजी विल ऑल्सो कम फ्रॉम द अदर टीचर विच इज सर लुकमान हु इज गोइंग टू टेक यू थ्रू दैट पर्टिकुलर कोर्स एरिया. जहाँ तक बात आती है प्रैक्टिस करने की, सो प्रैक्टिस मटेरियल में आपके पास पास्ट पेपर्स हैं आईकैप के. यू ऑल्सो हैव द क्वेश्चन बैंक फ्रॉम ICAEW विच यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर प्रैक्टिस. यू कैन अप्रोच स्क्राइबर फॉर द ICAEW क्वेश्चन बैंक. दे विल बी एबल टू प्रोवाइड इट टू यू एज वेल.
So I think that's it from my side. If you have any questions, please ask, because I'm going to close the session and we are going to continue with the class tomorrow, inshallah, then. Yeah, I think yes, he does that probably, but he will better be able to answer you on that. So we can raise that on the group as well. Yeah, initially, and I think the major term, it would be two classes per week, almost 2 to 3 hours each. And what we are aiming is to complete our course by 15th to 20th of May, given there is also Ramzan in between. Okay, test sessions will not be there as such, but obviously during the class there will be about 2 question papers that I will be checking for each student, and depending upon the flow of class we can see if there is any such required by the end of it. But usually what I have seen is that students are least interested, you know, in giving a test session at the end. We do that, but only a few opt for it. But there will be at least two checking sessions, so you know, we can sort of do that there as well, because मैं एक checking session रखता हूँ जिसके अंदर brainstorming मेरे साथ होती है और मैं चाहता हूँ कि students लिखें उसको, और एक होता है जो कि full-fledged checking session होता है जिसके अंदर मैं कोई brainstorming नहीं कराता, from start to end the student you know figures out the question and writes it. Okay, so I think there are no more questions. So I'm just closing the session for today. Inshallah, see you all tomorrow. And we're going to start from a question directly. Theek hai ji? So take care and see you around, inshallah. Okay, close, na?